हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है, हम सब भी खैरियत से। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज ब्लॉग मैं लेट शुरू कर रही हूँ क्योंकि आज फिर हमारी लाइट नहीं थी और कल के थके हुए भी थे बहुत ज़्यादा, के कपड़े धोते धोते टाइम हो गया था। फिर कपड़े सुखाए भी और अभी देखे कपड़े मैंने अभी लेकर आई हूँ बाहर से। कुछ रह गए थे, कुछ पतले पतले सूख गए थे, बाकी सब अभी यहाँ फोल्ड करके रख दिए हैं। और काम हैरा सुबह कर के नाश्ता करके दोबारा जो है ना मैं लेट गई थी। तो बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं है, वो भी उसको भी ज़ुकाम ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है, उसका बहुत ज़्यादा ज़ुकाम ख़राब हो गया है। तो बस उसको वजह से वो कॉलेज भी आज नहीं गई है। तो बस आज तबीयत बहुत बोझल बोझल थी, थकावट हो गई है। तो बस अभी काम तो मैंने कर दिया था, लाइट की वजह से रह गई। मैंने कहा चले लाइट आएगी तो फिर ब्लॉग शुरू कर दूँगी, क्योंकि बाहर अभी सुबह बादल थे और अभी धूप निकली और इतनी तेज़ धूप है ना बाहर, अभी लग ही नहीं रहा कि सुबह बादल थे। सुबह ऐसा अंधेरा अंधेरा था और अभी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकल आई है। और कल अल्फा की मम्मा ने हमारे लिए स्पेशल भी खाना भी भेजा, तो उसका मैंने शॉर्ट बना के डाला है। उनके बेटी के लिए लेकर आई थी बच्चियों के, हमारी दीदी को पालक पनीर बहुत पसंद है, तो पालक पनीर थी, चिकन का सालन था, मटर का पुलाव था, सैलेड था, खीर थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमें याद रखते हैं, इतना प्यार देते हैं। तो मैंने फिर हम लोग खाना खा चुके थे, तो फिर मैंने जल्दी से उसका शॉर्ट बनाया और मैंने बेटी से कहा था ये शॉर्ट अपलोड कर देना। मैंने कहा थैंक यू, जो है मैं वीडियो में बोल दूँगी। और बस अभी देखते हैं क्या करती हूँ। बस बाहर तो बहुत ज़्यादा धूप है, बाहर मैं अभी जा भी नहीं रही क्योंकि सारा दिन कमरे में रहो और अचानक जब बाहर आप धूप में जाओ ना तो आंखों में अजीब सी चुनचुनाहट सी हो जाती है। तो मेरी भी अभी जब मैं बाहर गई हूँ कपड़े लेने तो ऐसे आंखों में धूप एकदम लगी है, तो थक गई। देखें जल्दी जल्दी गई उठ के कपड़े लेकर आई हूँ बाहर से, फोल्ड भी करें और मैंने अपनी वीडियो भी स्टार्ट कर ली है। अभी बाहर गई है, कह रहे मैं बाहर जाता हूँ। ये भी सुबह से घर में थे बिल्कुल, आज बाहर निकले ही नहीं। मैंने कहा हाँ भाई थक गए सारे काम कर करके, दो दिन लगातार काम किया ना तो थकावट सी हो गई है। तो बस अब जो आगे की भी रूटीन है फिर सब आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी तो बस थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। आंखों का पता अजीब सी मेरी जैसे एलर्जी जैसी हो जाती ना, इस तरह का और है। और कल से सर में भी बहुत दर्द था, सुबह जब उठी तो सर बहुत भारी था, लेकिन दो दिन मैंने पेनाडॉल खाई है लेकिन मेरा सर भारी भारी हो रहा था। तो बस मैं फिर उठी नहीं, मैंने बेटे को नाश्ता बना के दिया, वो नाश्ता करके गया। फिर हमने कहा पानी आया हुआ तो मैंने कहा पानी भरा, नाश्ता करके फिर हम सारे तकरीबन आराम करने लगे क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी। तो सफाई वगैरह तो कर ली है, बस बाकी के जो काम है वो करती हूँ। थोड़े बहुत जो रह गए हैं बर्तन मैंने नहीं धोए थे, देखे बर्तन मेरे अभी वहीं पड़े हुए, बर्तन नहीं धोए, बर्तन धोती हूँ जल्दी से। और फिर जो खाना वगैरह बनाएंगे तो फिर वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, जो वो भी रूटीन है जो कुछ भी है वो सब आपके साथ तो शेयर करते ही हैं। और प्लीज़ प्लीज़ चैनल को देखें, वीडियो पूरा देखें, वीडियो को देखें। और आजकल व्यूज़ पत्नी क्यों इतने डाउन हो गए हैं, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे। अब 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर है और व्यूज़ क्या आ रहे हैं, 100, 200, 250, इससे ज़्यादा भी 250 तो क्या 200 से ऊपर ही नहीं जा रहे। शॉर्ट पे फिर भी आ जाते लेकिन वीडियो पे पत्नी क्यों नहीं व्यूज़ आ रहे। तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, जो नए आ रहे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और ये देखें मैं भी आ चले आपको दिखाई देती हूँ कि बाहर धूप कितनी तेज़ निकली, ये भी आ ही गई अंदर। ये देखें दरवाज़ा खोला ही है तो कितनी रोशनी अंदर आई है, तो मैं भी आपको बाहर दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स कितनी धूप है, ये देखें कितनी ज़्यादा धूप आई हुई है। और वो फार्मू जो है वो तंग लेके अपने घर से बाहर निकल आया है, देखिए आपको दिख रहा होगा कैमरे में क्लोज कर किया है। और धूप देखें, बादल बादल सब चले गए, सुबह में बादल थे हल्के फुल्के थोड़े थोड़े से हैं, बाकी बादल खत्म है, बच्चे वहाँ बैठे हुए कुछ धूप छाँव में। अब बच्चे जो है ना देखें वहाँ जाके छाँव में बैठते हैं, अब धूप जो है ना वो बुरी लग रही है। तो इतनी धूप हुई भी है यहाँ तक अंदर तक आई भी है, देखिए वो ऊपर से कोई एरोप्लेन जा रहा है, ये देखिए ये देखिए। अलीजा आई है अपने घर की। हाँ हेलो, कैसी हो? कहाँ जा रही हो? लकी लोगों के घर जा रही। आज तो बड़ी तैयार शहर हुई हुई हो, क्यों वहाँ की आज पार्टी है? चाबी देने आई थी कि मेरी मम्मा आएगी तो दे देना, ये लोग जा रहे हैं। तो बड़ी प्यारी लग रही थी तो मैंने कहा इसकी जरूर वीडियो बनाऊंगी। ये देखें बैलून भी इतने दिया। रस्सी जा रहे लक्की से मिलने? लक्की कब आएगा इधर? कल आया था। कल आया था? और कौन 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 जा रहे? सारे जा रहे? अच्छा आप लोग जा रहे हो, वाह भाई घूमने जा रहे, छुट्टियाँ इंजॉय हो रही है। अल्फा किधर है? अच्छा चलो जाओ, ठीक है बाय। जी तो व्यूअर्स अभी हम गए हुए थे बेटी के कपड़े देने अपनी बाजी के घर, तो मैंने कहा दिखाऊं शाम में, फिर बादल आ गए हैं तो अभी हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। मैं भी गई थी बाजी की तरफ, अपनी बाजी की तरफ बेटी की फ्रॉक सिलने को देनी थी तो वो देकर आई हूँ।
और अब जा रही हूँ पैसे लेके कुछ पकाने के लिए, क्योंकि उस टाइम मस्जिद से अब मैं रुक गई थी वीडियो बनाते बनाते, क्योंकि नमाजी सारे जा रहे थे तो रश हो गई थी, तो फिर मैंने आगे आपके साथ शेयर नहीं करी। तो बस मैं घर आई, अब घर से हस्बैंड से मैंने पैसे लिए, तब मैं जा रही हूँ सब्ज़ी के लिए। तो देखती क्या सब्ज़ी लेकर आती हूँ, क्योंकि आज मंडे है तो गैर सब्ज़ी बनेगी। पालक पनीर तो वैसे पड़ी हुई है, थोड़ी सी सब्ज़ी बनाऊँगी, जो बनाऊँगी तो फिर मैं आपके साथ लाती हूँ और शेयर भी करती हूँ। तो व्यूवर्स मैं अभी यहाँ सब्ज़ी लेने आई हुई हूँ, और सब्ज़ी मैंने देखे भिंडी ली है, और भिंडी 350 रुपये किलो है, बस मैंने थोड़ी सी ली है। ये हमारे भाई है शमशु भाई, इनसे मैं लेती हूँ सब्ज़ी। ये तो व्यूवर्स मैं अभी बनाने लगी हूँ भिंडी, और ये साथ साथ रखे हुए थे पापड़। तो भिंडी मैंने ली है 100 रुपये की ली है भिंडी, क्योंकि थोड़ी बनानी थी, पालक पनीर कल की पड़ी हुई थी। और एक प्याज काटा है, एक दो टमाटर काटे छोटे थे, तो 2 सब्ज़ मिर्चें काटी, सब्ज़ मिर्चें भी बहुत ज़्यादा महंगी हुई हैं, 2 लेमन है, बाकी नमक मिर्च हल्दी और धनिया है। तो अभी मैंने ऑयल रख दिया, पहले मैं भिंडी फ्राई करूँगी, फ्राई करके इसको मैं निकाल लूँगी। सारी भिंडी एक साथ मैंने डाली, इसको अच्छे से कलर आ जाएगा, तो मैं फ्राई करके इसको निकाल लूँगी, फिर बाद में मसाला वगैरह बना के फिर मैं भिंडी डालूँगी। बड़े मज़े की भिंडी बनती है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो भिंडी फ्राई करके मैंने निकाल ली थी, हल्का सा इसको कलर दिया, ज़्यादा कलर नहीं दिया, फिर इसका कलर ख़राब हो जाता है। और प्याज और सब्ज मिर्चें मैंने एक साथ डाली थी, फ्राई हो गए, तो मैं इसमें ये टमाटर डालूंगी और साथ ही मसाले भी डालूंगी। वैसे मैं जब भिंडी 2-3 किस्म की बनाती हूँ तो उसमें मैं सिर्फ नमक मिर्च डालती हूँ, लेकिन ये मसाला भिंडी है तो इसमें सारे मसाले डालूंगी। थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी, मसाला अच्छे से भून लिया, मैं इसमें भिंडी डाल दूंगी। मैंने गैस चलाया क्योंकि मसाले की धांस होती, मुझे फिर छींके शुरू हो जाए ना तो फिर और नहीं होती, तो मैंने बंद कर दी, उसमें आवाज़ आती है फिर बहुत ज़्यादा। ऊपर से डालूंगी नींबू, 2 लींबू डालूंगी मैं, सिरका डालना है, नींबू डालना, नींबू इतने महंगे और नींबू में रस भी नहीं है, जो ख़राब चीज़ होती है ना वो इन दिनों में आ जाती है महंगाई करने के लिए भी, और साथ साथ महंगाई। टमाटर प्याज देखे आसमानों को छू रहे, तो बस अभी इसमें डाल के उसको मिक्स करके उसको दम पे रख दूँगी। ये तो देखें भिंडी तैयार है, और ज़बरदस्त सी भिंडी मसाले वाली, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। तभी मैं जल्दी से रोटी बनाती हूँ, और तारी का भी टाइम होने वाला है, किसी टाइम भी अजान हो सकती है, थोड़ा सा तेज करूँगी इसको। हाँ, तो जी तो व्यूअर्स आ जाए और खाना खा ले, क्योंकि हमारे यहाँ रोज़ा खुल चुका है, और हमारे यहाँ रोज़ा जो खुल रहा है 6:25 पे खुल रहा है, आस्ते आस्ते टाइम जो है ना वो आगे जाता जा रहा है। तो आज मौसम भी थोड़ा दोपहर में गर्म था, शाम में अच्छा हो गया, अभी एक हवा भी चल रही और बादल भी आ गए हैं, और साथ पालक पनीर भी सुबह हमने थोड़ी नाश्ते में भी खाई है, बहुत मज़े की बनाई थी भाभी, बहुत टेस्टी बनाई है आपने। तो आप लोग भी आ सकते हैं हमारे साथ खाना खा सकते हैं, भिंडी देखें कितनी चटपटी सी मजेदार बनी और बहुत मजे की, और इनकी तो फेवरेट है भिंडी। जी हाँ, हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आइए, आ सकते हैं आप लोग खाना खा सकते हैं हमारे साथ, भिंडी बनी है आज, मेरी फेवरेट है, और सब्जियां तो वैसे सारी फेवरेट है लेकिन भिंडी भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। आप भी आ सकते हैं खाना खा सकते हैं, रोज़ा तो खुल चुका है, आप लोग हमारे साथ खाना खा सकते हैं। और यही कहेंगे कि जी व्यूअर्स पता नहीं हमारे कहाँ पर है रमजान में, शायद तो बोल बोल के ही मैं थक गई हूँ, रोजों की वजह है या क्या है जो बिल्कुल ही गायब है, क्योंकि व्यूज हमारे नहीं आ रहे हैं, आप लोग वॉच नहीं कर रहे हैं। 1000 सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद वो जो अपना देखने वाले हमारे बहन भाई है उनका कुछ पता ही नहीं है, और बाहर के ममालिक वालों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, देखें कि किस किस कंट्री से वो देख रहा है, आज मैं वो इनसे पूछ रहा था, बताएं जरूर कमेंट में। आप ये देखें कि जितने मेरे प्यारे बहन भाई बाहर के कंट्री वाले हैं, प्लीज 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 आप अपने रिलेटिव को, अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं, और उनके उनसे जो है सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हमारे व्यूज बढ़े। वहाँ से आप लोग कोई भी हमारी इस तरह की हेल्प आउट नहीं कर रहे हैं, हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये मेहरबानी आप लोगों की कि आप लोग देख रहे हो, लेकिन प्लीज इसको आगे भी बढ़ाएं थोड़ा सा इस चैनल को। अभी तो हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ है, तो अभी तो हमें ज़्यादा ज़रूरत है कि आप लोग इसको वॉच करें, देखें, फुल देखें, स्किप ना करें। अगर शायद मेरे प्यारे बहन भाई जो देख भी रहे, शायद मेरा ख्याल है कि वो जो है ना स्किप कर देते हैं, जिसके व्यूज़ हमें नहीं मिल रहे हैं, तो आप प्लीज़ मेहरबानी करके फुल देखें व्लॉग को हमारे, हमारी वीडियो को, उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये रिक्वेस्ट मैं कर सकता हूँ क्योंकि आज स्क्रीन पे मैं आ गया हूँ, कहने के लिए मैं आ गया हूँ, प्लीज आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
शेयर करें और अच्छी अच्छी कमेंट करें इसके अंदर, क्योंकि ये कमेंट सुनते हैं थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। और आप लोगों को मैंने पिछली कई वीडियोस में भी कहा है कि इतनी इन्होंने डिशेस आप लोगों को साथ आप लोगों के साथ शेयर किए, आप लोगों ने किसी ने भी नहीं बताया कि उस तरह की कोई डिश आप लोगों ने बनाई है कि नहीं बनाई। मैंने अभी निवाला रोका हुआ, अपना रोटी रोकी हुई है आपसे बात करने के लिए। तो आप लोगों ने अभी तक किसी भी एक वीडियो के बारे में नहीं बताया कि जी हाँ बाजी, सिस्टर, बहन, आपने फलानी डिश बनाई थी तो हमने वहाँ पे टेस्ट की, हमने बनाया उस तरीके से तो हमें अच्छी लगी या बुरी लगी। आप लोग बताते ही नहीं है, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है मुझे भी इस तरह के कि आप लोग कोई कमेंट नहीं करते। तो प्लीज़ काइंडली कमेंट किया करें, बताया करें कि जी हाँ मैंने फलानी डिश बनाई थी सिस्टर, वो अच्छी लगी और उसमें ये कमी थी, आप उसको ऐसा करें तो और बेहतर हो जाएगी। तो इस तरह प्लीज आप लोग बताया करें और ये साथ वालों की आवाज को इग्नोर कीजिए और चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ये मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। और फिर कल आपसे मिलेंगे, वीडियो काफी लंबी होती जा रही है और फिर अपलोड करने में हमें बहुत ज्यादा बहुत मुश्किलात का सामना होता है। सारा ये जो है ना बेटे वो बेचारे को कभी इधर लेके खड़ा सिग्नल आ रहे, कभी इधर लेके, हमारा अपना नेट नहीं है। सही सही सी बात है, ये जो इसके मेरे बच्चे के बेटे के जो दोस्त है या स्टूडेंट है ये वहाँ उनके यहाँ चले जाता है, वहाँ जाके ये वीडियो अपलोड करता है। ये बहुत बड़ा इश्यू है हमारे लिए कि हमारे पास अभी तक नेट की जो है सहूलत नहीं है, क्योंकि मैं फिर कहूँगा कि ये लोगों का कहना है कि मोनेटाइज हो गया, मोनेटाइज असल तो काम अब शुरू हुआ है मोनेटाइज के बाद। तो काइंडली आप लोग जरूर जो है वो उसको शेयर करें। अब बोल दें आप आखिर। नहीं, मैं नहीं बोलूंगी, बस आपने बोल दिया बार बार, बस अब मैं नहीं बोलूंगी। और फिर कल आपसे मिलेंगे कल अच्छी सी वीडियो में। चपला के लिए आप अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और हमें रखिएगा अपनी दुआ में यार। अल्लाह हाफिज। मुझे प्याज जो है ना बड़ा सख्त लगे, इतने महंगे प्याज है ना, लेकिन बहुत खराब प्याज आ रहे हैं, बहुत तेज हैं। तो फिर कल आपसे मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।